कीड़ा घूम रहा, खटमल घुसा हुआ है उसी उसी के अंदर। हम लोग आज जिन बचपन से उसी में सो रहे हैं, आज भी उसी में सो रहे हैं। नई बढ़िया स्लिप स्लिप वेल वाले गद्दे लेके आओ बढ़िया, जिसमें सो पाओ, महंगे वाले। क्यों टिंकू जी है, टिंकू जी यहाँ पे? टिंकू जी को भी 1 मिनट को कोच बना देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स कनेक्टेड हैं, बहुत सारे एसोसिएट्स कनेक्टेड हैं, और हम लोग आज बहुत कुछ बात करने वाले हैं लीडर्स। आज ये मीटिंग सिर्फ आपके ग्रुप की हो रही है, क्योंकि आई होप सो आप सभी लोगों को पता होगा आज मैं बहुत कुछ बात करने वाला हूँ, ठीक है। आज मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बात करता हूँ लोकू जी से, डेली बात करता हूँ तालिब जी से, डेली बात करता हूँ टिंकू जी से, बिट्टू जी से, रामजीत जी से, बहुत सारे लीडर्स हैं, नवीन जी से। तो मुझे ये पता चलता है कि कहते हैं सर हमारी टीम में सर लोग ये करना चाहते हैं, मेरी टीम में सर लोग वो करना चाहते हैं, मेरी टीम में सर लोग मतलब बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो क्या ये बात सच है? क्यों लीडर्स, ये जो आपके आपसे जो ऊपर जो लोग यहाँ पे मुझसे जिनसे डेली बात होती है, ये लोग बोलते हैं कि सर हमारी टीम में लोग जितनी लड़कियां, सर लड़कियां तो कहती है सर बिल्कुल ऐसा करना सर जिंदगी में जो कभी ने सोचा ना हो दूर दूर तक। क्या ये बात सच है, रियल है? क्यों चैट बॉक्स में लोग बता सकते हो मुझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा बातचीत करने आया हूँ आज आप लोगों से, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि रॉकस्टार टीम के अंदर बहुत दम है, बहुत आग उगलते हैं वो लोग, मतलब जहां चलते हैं वहां धुआं उड़ जाता है, ठीक है, तूफान मच जाता है, गर्दा मचा देते हैं आपके टिंकू सर। मतलब ये सब बातें सच है, रियल है ये सब बातें, कि सब हवा हवाई चलती है, मतलब बस ऐसे ही ऑनलाइन पे बस दिखता है। रियलिटी है कि नहीं है? इसमें दिख नहीं रहा मुझे, मैसेज एक यस लिखने में तो बड़ा दर्द हो रहा लग रहा लोगों को कैसे गर्दा मचाओगे? क्यों बताइए लीडर्स, ये जितने 1000+ वाले सब लोग रेज हैंड कर ले, 1000+ जितने लोग कमा चुके हैं अभी TDI से, सभी लोग अपना रेज हैंड कर ले। क्या ये आग है सच में? अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस सर यस सर यस सर, ओके ठीक है ओके। तो आई होप सो लोगों जी, यहाँ पे मैक्सिमम लोग पटना और भीड़ा से ही कनेक्टेड है, जहां तक मुझे उम्मीद है रॉकस्टार टीम के अंदर मैक्सिमम लोग जा लोग पटना भीड़ा से कनेक्टेड है, ओके। तो अब देखो एक्चुअली क्या है, ये बात क्यों पूछ रहा हूं मैं, ये बात क्यों मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी तक आप कब से ज्वाइन हुए हो, ठीक है, मतलब अच्छा एक चीज और लिखो, सब लोग जा लिखो कि सबको कितना कितना टाइम हो गया TDI के अंदर, किसी को 1 महीना हुआ, किसी को 10 दिन हुआ, किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को 1 महीना हुआ, तो कितना कितना टाइम हो गया आप लोग को TDI के अंदर, कितना कितना टाइम हो गया आप लोग को इस सिस्टम में इनरोल हुए, किसी को 2 महीना कोई लिख रहा है, कोई 3 महीना, 3.5 महीना, ओके जल्दी जल्दी सब लोग लिख डालो, जो जो मैं पूछ रहा हूँ जल्दी थोड़ा एक्टिव हो जाओ यार, ठीक है, क्योंकि वो लिमिटिंग नहीं है कि एक आया सुना के चले गए, फिर वो मन कर रहा तो सुन रहे, मन कर रहा तो नहीं सुन रहे, समझ रहे? यस, सभी लोग कैमरा भी ओपन कर ले जल्दी जल्दी, क्योंकि आज बहुत कुछ बातें मैं करने वाला हूँ रियल में। और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे पता चला है लीडर से कि क्या कहते हैं सर हमारी टीम के अंदर वो लोग हैं जो लोग सच में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हमारे साथ, और सर दुनिया एक से दूसरी तरफ हो जाए लेकिन ये लोग सर अपने सपने पूरे करेंगे। अगर ये बात सच है तो आप लोग जरा दिखना चाहिए मुझे। और अभी आप लोग के लिए एट द एंड एक सरप्राइज भी है, यहाँ पे जितने 50 लोग कनेक्टेड हैं एट द एंड, अभी आप लोगों को मैं क्या बताऊँ यार, नाम लेते ही शरीर में वाइब्रेशन हो जाता है। इंजीनियर रोहित यादव सर से मिलने का मौका मिलेगा, अभी रिसेंटली सर से बात हुई है, तो बस अभी कनेक्टेड रहना, अभी बहुत कुछ होने वाला। अभी आपको पता भी नहीं है कि आपने क्या कर लिया आज रात की मीटिंग को कनेक्ट करके, आज सो नहीं पाओगे दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, बिस्तर के ऊपर बिजली दौड़ रही होगी बिजली, ठीक है, लेटोगे तो करंट लगेगा, ऐसा भी कुछ होने वाला है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे बहुत सालों ने डाला 1 महीना, किसी को हो रहा, किसी को 1 महीना, 20 दिन, किसी को 3 महीना, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ सबको। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अगर फिर क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपसे, अगर आप सच में ड्रीमर हो, अगर आपकी बातें जो आपकी अप्लायंस, जो आपकी टीम, या फिर आप लोग जो मुझे बताते हो, या फिर आपकी टीम जो मुझे बताती है कि हाँ सर हमारी टीम के अंदर वो लोग कनेक्टेड है जो पागल है सर अपने सपनों को लेके, जो सर मतलब आप जो बताओ वो, क्योंकि बोला जाता है एक्टिव अपलाइन जो कहता है फिर वो सब कुछ करता है डाउनलाइन। तो कहते हैं आपकी आपकी टीम में आपके अपलाइंस ने मुझे ये बोला है कि सर मेरी टीम में ऐसे लोग हैं कि अगर आप उनको बोलोगे आग में कूदने को तो आग में भी कूद जाएंगे, लेकिन आग में नहीं कूदाएंगे हम आपको दोस्तों। आज सच बता रहा हूं आप लोगों के लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आए हम लोग आज, एक बहुत बड़ी ऐसी चीज हम लोग करने वाले हैं आपके पटना शहर के अंदर, आपके भीटा शहर के अंदर, जिन लोगों को पता भी होगा कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, जिसकी अनाउंसमेंट आज हम लोग करने वाले हैं। और रियल बता रहा हूं कि ये दिन जो आज और जो भी दिन की मैं बात करने वाला हूं, इन दिनों के अंदर आप लोग की जिंदगी, जो हम लोग बोलते नहीं मीटिंग के अंदर कि लाइफ 360° ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो रियल में आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाला है। उससे पहले मैं उन लोगों का रेज हैंड देखना चाहता हूं जितने लोग BMW GT के अंदर आए थे, लखनऊ में जो BMW GT हुई थी, कितने लोग आए थे BMW GT के अंदर, जल्दी से जल्दी वो लोग भी जरा रेज हैंड कर लें, जितने लोग BMW GT के अंदर आए थे लखनऊ में जो BMW GT हुई थी, फास्ट वो लोग अपना रेज हैंड कर लें,
जल्दी से जल्दी फास्ट। यस, यहाँ पे कुछ लोग कनेक्टेड हैं जो आए थे, ठीक है। तो मैं एक दो लोगों से जरा पूछना भी चाहूंगा कि कैसा महसूस हुआ था जब आप लोग BMW GT के अंदर आए थे और जब आपने इतना बड़ा एनवायरमेंट देखा था, इतने सारे लोगों को देखा था, तो आपके अंदर क्या फीलिंग आई थी, जरा वो कुछ लोग यहाँ पे 49-50 लोग कनेक्टेड जरा सुनना चाहते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे अनम्यूट करूंगा, फर्स्टली पिंकू जी को अनम्यूट करूंगा। यस पिंकू जी, बताइए मीटिंग में आए थे तो क्या फील हो रहा था, मतलब क्या लग रहा था वहां का देख के माहौल आपको? सर गुड मॉर्निंग, सर मॉर्निंग, बताइए सर। बहुत अच्छा लग रहा था सर, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था सर। बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था, मतलब क्या ऐसा क्या अच्छा फील हो रहा था आपको, मतलब वहाँ लड्डू पूरी मिल रहा था, क्या मिल रहा था आपको जो इतना अच्छा लग रहा था? नहीं सर, वैसे इवेंट में पहली बार गए थे सर, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज्यादा मजा भी आया था सर। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा मजा आया था, ये पिंकू जी बता रहे हैं। यस, अब मैं यास्मीन जी से पूछना चाहूंगा। यास्मीन जी बताइए, आप जब आई थी BMW GT में तो आपको कैसा फील हुआ था उस मीटिंग को देखने के बाद? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मैं पहले बताना चाहूंगी सर, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम लोग पहली बार सर शशि सर का मीटिंग लिए थे और इतना ज्यादा उसमें बताया गया था, हम लोग इतने ज्यादा मतलब हो गए थे ना, बहुत ही ज्यादा उन्होंने हम लोग को मोटिवेट किया था सर। और शायद ऐसा मीटिंग कभी नहीं देखे थे सर, फर्स्ट टाइम देखे थे और बहुत ही ज्यादा सर ने मोटिवेट भी किया था और आज हम लोगों की टीम में वो दिख भी रहा है सर। बहुत बढ़िया, मतलब यास्मीन जी ने क्या बोला कि हम लोगों ने उस मीटिंग को अटेंड किया था, हमारी टीम में वो चीज दिख भी रही है। तो अब यहाँ पे मैं एक बार टिंकू जी को भी अनम्यूट करूंगा। हाँ टिंकू जी, आए थे आप भी मीटिंग में, कैसा लगा था देख के? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, बताइए। हम सर, हम कहते हैं सर कि हम तो शशि सर का जैसे ही नाम सुनते ना, ये जैसे नाम सुनते चुप हो जाते, देखा इनका माइक ही बंद हो गया अपने आप। यस रामजीत जी, आप भी आए थे, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। का नाम एक मिनट, टिंकू जी आपका नेटवर्क दिक्कत कर रहा है, एक मिनट रामजी जी से बात कर लेते हैं। हाँ रामजी जी, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, वहाँ जाने के बाद हम तो बहुत कुछ सीखे, लेकिन काम तो कर रहे थे सर, ठीक ना? तो काम करने का रीजन बहुत सारा होता है, छोड़ने का तो रीजन बहुत सारा होता है सर, लेकिन करने का रीजन एक ही चीज होता है सर। तो वो सतीश सर हमको एक बात बताए थे वहां पे, तो उस बात को हम बहुत गौर से समझे भी और सीखे भी कि जिस काम से आपको प्यार हो जाए ना, शायद उस काम को कभी जिंदगी में छोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये सब देखो, ये सब तो ठीक है, ये सब सीखा आपने, लेकिन वहां पे जब गए थे आप तो आपके अंदर मतलब कुछ अलग सा कुछ महसूस हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसा जिसको बता भी नहीं सकते मेरे हिसाब से, मुझे तो ये लगता है क्योंकि मैं तो नहीं बता सकता हूँ। यस सर, यस सर, यस सर, यस बिल्कुल। अब देखो मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे दो तीन लोगों से मैंने आपको बात करवाया, सुना कुछ, यास्मीन जी ने बताया कुछ, पिंकू जी ने कुछ, टिंकू जी ने कुछ, रामजीत जी ने। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मतलब देखो आज आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, जैसा कि आप लोग सब लोग बता रहे हो, यस सर बहुत कुछ बड़ा करना है, बहुत कुछ जिंदगी के अंदर पाना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता आप TDI कितने दिन करने वाले हो, मुझे नहीं पता आप धनवंतरी बायोसाइंस कितने दिन करने वाले हो, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, यहां पे मुझे 48 ड्रीमर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे मिला के, अगर मैं अपने आप को हटा दूं तो 47 ड्रीमर्स यहां पे कनेक्टेड है, 47 लोग। मुझे नहीं पता आप कितने साल TDI के अंदर रहने वाले हो, कितने दिन नहीं रहने वाले हो, क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, कितने दिन कमाने वाले हो, कितने दिन क्या करने वाले हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आपने TDI को लेकर पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, क्या हो, बिल्कुल मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको जिंदगी में और सच में TDI में कुछ बड़ा करना है तो मात्र 2 दिन आप मुझे देने के लिए क्या तैयार हो? मैं एक चीज बस इतना पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या मात्र 2 दिन देने के लिए तैयार हो? मैं सच बता रहा हूं, ये 2 दिन आपकी जिंदगी का समझ लो कहते नहीं तख्ता पलट देंगी, बिल्कुल गारंटी है। क्या 2 दिन देने के लिए तैयार हो आप लोग? मात्र 2 दिन जिंदगी के आपके 2 दिन मांग रहा हूं। TDI के अंदर आपने अभी तक जितना भी सीखा हो, जितना भी आपके अपलाइन ने आपको सपोर्ट किया, उसका बस 2 दिन चाहिए अपने को बस। और ये 2 दिन मैं आपको सच बता रहा हूं, ये 2 दिन मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, ये 2 दिन मांग रहा हूं मैं रॉकस्टार टीम की इज्जत को बचाने के लिए, मैं मांग रहा हूं 2 दिन अपनी भीटा और पटना के जो लोग के अंदर जो एक्साइटमेंट है उसके लिए मैं 2 दिन मांग रहा हूं, ये 2 दिन मैं मांग रहा हूं अपने सपनों के लिए। क्या तैयार है 2 दिन देने के लिए? ओनली 2 डेज लीडर्स, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, 48 घंटे, गिने हुए 48 घंटे और मात्र 2 दिन। क्या देने के लिए तैयार है सभी लोग? यस और नो? यस और नो लीडर्स? कोई अगर एक बार लिख दे रहा है तो थके ना, फिर से लिख सकता है। क्या तैयार है सभी लोग सिर्फ मात्र अपने जिंदगी के बस 2 दिन देने के लिए?
बस दो दिन, पूरी लाइफ नहीं चाहिए मेरे को साल नहीं चाहिए, मेरे को दशक नहीं चाहिए, बस दो दिन चाहिए। क्या दो दिन देने के लिए तैयार हो आप लोग? सब लोग कह रहे हैं यस 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 यस। अगर दोस्तों सच बता रहा हूं, अगर आपने दो दिन देने के लिए तैयार हो ना, तो मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से रूबरू कराने वाला हूं, एक ऐसी पर्सनालिटी से मीटिंग होने वाली है आप लोगों की। और मुझे नहीं पता आप लोगों के अंदर क्या एक्साइटमेंट है, क्या आप चाहते हो। वैसे तो एक्साइटमेंट तो भर भर के दिख रही है आपके चैट बॉक्स में, आपकी बातों से, आपके कैमरे के कैमरे में जितने लोग मैं देख पा रहा हूं उनके चेहरे को। लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि मात्र दो दिन के अंदर आपके शहर पटना के अंदर 22 दिसंबर को दोस्तों, आज सच बता रहा हूं, ये पटना की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। मैं रियल बता रहा हूं आपको, पटना की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। एक बार लौकुश जी जरा कैमरे पे लेके आ जाओ अपने पास को, जो आपने पास रिप्रिंट करवाया, जल्दी से फास्ट कैमरे के ऊपर लेके आइए। एक आप लोग को चीज दिखाना चाहूंगा, और ये चीज मैं सच बता रहा हूं, जिंदगी को जिस कदर बदलेगी ना, मात्र दो दिन के अंदर आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जल्दी से पास की फोटो हम लोग देखने वाले हैं, और उल्टा करके दिखाइएगा, व्हाइट कलर, व्हाइट जिधर है उल्टा कर दीजिएगा, मतलब सीधा नहीं उल्टा। हाँ, ये देख रहे हैं सभी लोग, ये चार कोन का जो कागज है ना, ये चार कोन का कागज आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, मैं रियल बता रहा हूँ। तो एक बार पलटिएगा प्लीज। और दोस्तों आपके सामने प्रेजेंट है 22 दिसंबर का वो आपका लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी चांस, 2021 करियर बूस्ट प्रोग्राम। मैं रियल बता रहा हूँ, TDI का सबसे खतरनाक प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं पटना शहर के अंदर। यहाँ पे हम 49-50 लोग जितने कनेक्टेड हैं, हम रियल बता रहे हैं, बहुत मजा करने वाले हैं। अभी ये थोड़ा पिक्चर क्वालिटी नहीं अच्छी आ पा रही, लेकिन आपके पास अभी पहुंचेगा जब, ये सभी लोगों के पास, हो सकता है कुछ लोगों के पास रात में पहुंच जाए, हो सकता है कुछ लोगों को तो सुबह तक मिले। मैं रियल बता रहा हूँ, ये पास आप सब लोग देख सकते हैं एक बार अच्छे से, थोड़ा सा स्क्रीन के सामने ले जाइए, सामने सामने, यस देख पा रहे सभी लोग, यस और नो। इसकी फोटो अभी ग्रुप के अंदर आ जाएगी। ये करियर बूस्ट प्रोग्राम होने वाला है, जिसके अंदर सुशील कुमार सर दोस्तों, ओनर ऑफ जैगवार, वो पर्सन जो जैगवार से आज चलते हैं, जिनको आपने यूट्यूब पे देखा होगा, जिनको आपने अभी सिर्फ जूम मीटिंग में देखा होगा, उनके साथ आपकी मीटिंग होने वाली है। उसके बाद इंजीनियर रोहित यादव सर, जो अपने मल्टी मिलियनर हैं, और उसके बाद जो सबसे खतरनाक पर्सनालिटी है, जिसको मिलने के लिए आज लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं दोस्तों, आज उनसे मिलने का मौका मिलने वाला है, जिनका नाम है शशीष कुमार तिवारी सर। थैंक यू सो मच लोकेश जी, थैंक यू, यस। तो जैसा कि आप लोगों ने ये सारी चीजें देखी, और ये चीजें दिखाने का बस मेरा मतलब ये था दोस्तों, कि आप लोगों को अभी अंदाजा भी नहीं है कि आपको घर बैठे बैठे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। क्योंकि कहते नहीं है कि एक कहते नहीं एक सोने की पहचान एक सुनार को ही होती है, ठीक है। तो मुझे पहचान है कि इस मीटिंग की क्या वैल्यू है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, लेकिन मात्र दो दिन, जैसे आपने अमिताभ बच्चन जी का एड सुना, दो घूट जिंदगी का पी लो तो सब दिक्कत खत्म, इसी तरीके से दो दिन ये पटना मीटिंग के लिए, जिसने जिसने 100% दे लिया, और जो तैयार देने के लिए, कितने लोग तैयार हैं दो दिन, और खतरनाक तरीके से ये दो दिन के अंदर इस काम को अंजाम देने के लिए, आई थिंक सब लोग तैयार है, सबने मैसेज लिखा यस यस यस, और मैं रियल बता रहा हूं। अब मैं आपको चीज और बताया जा रहा हूं, आप सोच के देखो इस इवेंट के अंदर। अभी तो पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जो लोग टैग अचीवर्स हैं, जो लोग स्टार्स हैं, जो लोग सिल्वर्स हैं, जो लोग गोल्ड बन चुके हैं, पहले तो उनके लिए सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है, उन सभी लोगों को स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, और शशीष कुमार तिवारी सर के साथ खड़े होकर फोटो कराने का मौका मिलेगा उन सभी लोगों को, जो लोग पहले तो टैग अचीवर्स है। इसीलिए आपके अप्लाई में बोलती थी भैया स्टार कर लो, भैया सिल्वर कर लो, ध्यान नहीं देते थे। अब देखो अभी यहाँ पे मौका पड़ा कि नहीं पड़ा। फिर उसके बाद एक तो चलो गलती होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दूसरी गलती हम नहीं करेंगे। अब दूसरी गलती बताएं क्या करने वाले हैं हम लोग। दूसरी गलती ये करने वाले ये है कि अभी ये जो हम लोग मीटिंग करने वाले हैं 22 तारीख को पटना में, अभी बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ बहुत सारी दिक्कत आ रही होगी कि सर क्या कहते हैं कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, सर मम्मी नहीं मान रही, सर पापा नहीं मान रहे, सर फूफा नहीं मान रहे, सर फूफी नहीं मान रहे, जितने नहीं मान रहे हैं आपके, आप मैं सच बता रहा हूं, अभी मैं BMW GT की बात कर रहा हूं, पता नहीं कोई गर्ल थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने वीडियो कॉल पे अपने पापा को बस दिखाया था BMW GT मीटिंग के लिए, उनके पापा ने उनसे बोल दिया बेटा आओ हम भी तुम्हारे साथ लव करेंगे। पता नहीं कौन थी टिंकू, याद है आपको कौन गलती हो? यस सर, संजना थी सर, संजना जी थी, यस। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लोगों के साथ तो ऐसा हो गया था दोस्तों कि लोगों ने बस वीडियो कॉल से BMW GT दिखा दी थी, तब इतना बड़ा माहौल बन गया। सोच के देखो आपके शहर के अंदर आ रहे हैं, तो आप उन सभी लोगों को लेके पहुंचो जो लोग
जो लोग इस सिस्टम को लेके आपको परेशान कर रहे हैं या फिर आप जिनके साथ अपना बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, क्योंकि उस मीटिंग का जो कह सकते हैं एक वाइब्रेशन है, वो मीटिंग का वाइब्रेशन आपको और किसी मीटिंग में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि साक्षात त्रिमूर्ति नाम है, पहले सुशील सर, शशील सर और रोहित सर, ये तीनों त्रिमूर्ति एक साथ एक स्टेज पे पहली बार, और उससे पहली बार बात क्या है कि टीडीआई के अंदर एक ऐसा ग्रुप है, रॉक स्टार ग्रुप, जिसके जिस ग्रुप में पहली बार ये तीनों लोग पर्सनली मीटिंग लेने आ रहे हैं, ये अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है, मैं सच बता रहा हूं। अभी तक टीडीआई में बहुत सारी मीटिंग्स हुई है जिसमें तीनों लोग एक साथ नहीं गए, कभी दो गए तो कभी एक गए, कभी अलग गए, कभी वैसे गए, लेकिन अब हम मतलब तीनों लोगों को स्टेज पे देखने का मौका मिलेगा, तो इससे ज्यादा आप सोच के देखो पॉजिटिव बात क्या होगी, आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो। दूसरी बात क्या है, अब देखो इसके अंदर हम लोग इनविटेशन करेंगे कैसे, आप देखो पहले तो एक चीज ये समझ लो, इस मीटिंग का फायदा वो इंसान उठाएगा जो इंसान, मैंने क्या बोला, दो दिन का मतलब समझ रहे हो, मीटिंग 11 बजे से है स्टार्ट, सॉरी 10 बजे से है, 10 बजे का पास पे टाइम पड़ी है, 10 बजे IMA हॉल है गांधी मैदान के पास पटना में, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है किसी के भी घर से, बहुत ज्यादा किसी घर से दूर होगा तो 25 से 30 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं है। अब आप सोच के देखो, लोग पटना बिहार से अगर लखनऊ आ सकते हैं शशि सर की मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो आपके लोग तो बस 25-30 किलोमीटर की रेंज में है, आप सोच सकते हो कि आपके लिए कितना प्लस पॉइंट है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, उस मीटिंग का फायदा वो पर्सन उठाएगा जो पर्सन इस दो दिन में एक मिनट भी अपना बर्बाद नहीं करेगा। हालांकि आप लोगों को पता तो चल गया था आज ही कि आज से ये मतलब बात सर्कुलेट हो गई थी टीम में कि 22 तारीख को मीटिंग हो रही है जिसमें शशील सर, सुशील सर और सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आज भी लोगों ने उस बात को सीरियस नहीं लिया, और जिन्होंने सीरियस लिया होगा उनको फायदा मिलने वाला है, जिन्होंने नहीं लिया घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराना, मैं सच बता रहा हूं। इसीलिए मैंने पूछ लिया क्या दो दिन देने के लिए तैयार हो, और दो दिन अगर आपने दे दिया ना अभी से, मैं कह रहा हूं अभी से अगर लग गए और 22 तारीख की 10 बजे तक अगर आपने सही तरीके से, मैं रियली बता रहा हूं, इनविटेशन का तरीका मैं बताऊंगा, कैसे लोगों को बुला के लेके जाना है मैं बताऊंगा, सारा तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं सच बता रहा हूं, आप जितने लेके जाओगे ना वो सारे के सारे आपके साथ ज्वाइन होने वाले हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ फिर से, अगर ये बात आपको मजाक लग रही तो मजाक लेके दोस्त चले जाना, फिर बाद में खुद उस मीटिंग में बैठ के बोलोगे कि अरे सर काश मैं लेके चला गया होता अपने भी 10 लोगों को, तो शायद 10 में 10 ज्वाइनिंग आ गई होती, शायद मैं अपने 20 लोगों को लेके चला गया होता सर तो 20 में 20 ज्वाइनिंग आ जाती, क्योंकि जो 22 तारीख को होने वाला है दोस्त वो 23 तारीख को नहीं मिलेगा, इस बात को मैं बता दे रहा हूँ पहले, जो 22 को मिलने वाला है क्या वो 23 को ला पाओगे दोबारा, क्या 23 तारीख को फिर से शशील सर को ला पाओगे, क्या 23 तारीख को फिर से रोहित सर को सुशील सर को एक स्टेज पे ला पाओगे, शायद नहीं ला पाओगे, लेकिन 22 तारीख अगर निकल गया तो 23 तारीख में कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं, बस ठनठन गोपाल हो जाएंगे हम लोग, समझ रहे हो, तो 22 तारीख को अच्छे से इस्तेमाल जो वही इंसान करेगा जो तैयारी अभी से करके बैठेगा। अब उन लोग अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर तो कैसे क्या करें, सर मेरे पास लोग नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, अरे बैठो, मैं सबको बता रहा हूं, कोई भी अप्लाई में किसी को सपोर्ट नहीं करेगी, मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है, पासेस बहुत ही लिमिटेड है, मैं अभी से बता दे रहा हूं आपको, मात्र 150 से 200 की वहां पे गैदरिंग हो सकती है, जिसमें से ऑलरेडी बहुत सारे और लोग भी आ रहे हैं, तो शायद हमारे पास 100 ही पासेस लिमिटेड है, और यहाँ पे 50 लोग हैं, ठीक है, और मुझे इतना पता है कि यहाँ पे कितने लोग लेके आने वाले हैं, तो एक बार मैं देखूंगा कि कितने लोग उस मीटिंग के अंदर अपने कितने कितने लोग लेके पहुंचने वाले, एक बार मैं जानना चाहता हूँ, क्या लोग बताएंगे कि अपना चेक कितना बनाना चाहते हैं, अब यहाँ पे वो लोग भी होंगे जो जीरो चेक होंगे, तो अगर आप अपना स्टार बनाना चाहते हो ना तो कुछ नहीं करना है, 4000 का चेक बनाना है, मतलब कि क्या करना है, 4000 का चेक बनाना, तो एक पेयर पे हमको 800 बनता है, तो कितने पेयर पे हमारा बन जाएगा, 6 लोग पे कि 6 पेयर अप्रोक्स, ठीक है, 6 पेयर पे अगर बनता है हमारा 4800 निकल के आएगा चेक, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे अगर 12 लोग अगर चले जाते हैं, 10 से 12 लोग, ठीक है, तो हमारा 4000 का चेक बन जाएगा, तो मतलब कि मिनिमम अगर कोई इंसान 4000 का चेक बनाना चाह रहा है तो 10 लोग लेके पहुंच जाए, उसका 4000 का चेक बना रखा हुआ है, समझ लो आप वहां पे, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूं, तो जितना भी मिनिमम, अब यहाँ पे आईफोन भाई साहब है कोई जो कह रहे 50 गेस्ट मेरा रहेगा, अरे भाई पास ही नहीं है इतने 50 गेस्ट का पास ही नहीं है हमारे पास, कोई बोल रहा 10 गेस्ट, यस, और कितने लोग, कितना कितना, देखो कितने लोग इस मीटिंग को यूज करना चाह रहे हैं जल्दी से, क्योंकि देखो बहुत खर्चा हो रहा है इस मीटिंग के ऊपर, मैं सच बता रहा हूँ, हॉल मतलब समझ लो
कि जो है वो वैसा हॉल बुक किया गया है, ऑडिटोरियम वाला हॉल। वीडियो शायद लौकुश जी ने डाली है ग्रुप के अंदर, लोगों ने देखा होगा। एक बार लौकुश जी जरा वीडियो एक बार चला देंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, जरा एक बार वीडियो चलाइएगा फास्ट, जल्दी से वीडियो चलाइए। एक बार वीडियो देखते हैं हॉल का, आईएमए हॉल है और ऑडिटोरियम हॉल है, कोई वो नहीं है, कोई होटल होटल के अंदर नहीं हो रहा है, आईएमए ऑडिटोरियम के अंदर हो रहा है। और ऑडिटोरियम ऑलरेडी अपने में ही कॉस्टली होता है, सारी चीजें होती है उसके अंदर, साउंड माइक डीजे, ठीक है, बहुत कुछ होने वाला है जिसका आपको आइडिया भी नहीं है। यस, जल्दी से फास्ट सर। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि बात करिए सर, फिर मैं ओके कनेक्ट करिए इनके साथ। फोन वन में है तो फोन जब तक ओपन है वो कनेक्ट कर रहा हूँ, उनका फोन चार्ज नहीं था। यस, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि जो है यहाँ पे 2% जो है ना सर, 50-50 मेरी तरफ से। तो यार अगर 50-50 दो ही लोग लेके आएंगे तो हमारे पास पास ही सिर्फ 150 लोग, 150 के अप्रॉक्स है। यस, 10 लोग, कोई 4 बोल रहे, कोई ये जो 4-5 वाले हैं ना ये तो सिमट जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ। 4-5 लोग वालों की तो कोई गिनती नहीं करेगा वहां पे क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखो लोग 50-10-20 लाने के लिए ऑटोमेटिक रेडी हैं। तो ये 5-6-4 आप, मतलब सच बता रहा हूं मैं, आप अपने आप से गद्दारी कर रहे हो दोस्तों। क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप 22 तारीख दोबारा ला पाओगे, आप बताओ क्या 23 को जो 22 में हुआ है वो क्या 23 को उन लोगों को दिखा पाओगे? तो क्यों ना पूरा बीटा, क्यों ना पूरा पटना, क्यों ना पूरा जितने लोगों को जानते हैं आसपास सबको समेट लिया जाए। क्या करोगे बचा के, बचा क्या करोगे? अरे ले आते हैं सबको पूरा बस भर के, क्या दिक्कत है? वो रुकवाओ पूरी वो सार्वजनिक वाली बस वहीं से चौराहे से करो, हमारे सारे हमारे हमारे ही है सब, बैठाओ लेके चलते हैं सबको। यस लवकुश सर, लवकुश कुमार को एक नाम से सर उसको कॉस्ट बना दीजिए, हम शेयर कर रहे हैं, करा रहा हूं। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं पहले हॉल जो है अपने पास, जो हॉल हम लोग ने बुक किया है और बहुत तगड़ा हॉल है। आपको देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले। यस लवकुश जी जल्दी से फास्ट दिखाइए। तौसीफ खान जी कह रहे हैं सर मैं ट्राई करता हूँ 50-80। अरे भाई पास ही नहीं है इतने, 50-80 हमारे पास। लोगों जो साइड में जो एरो है उस पर क्लिक करके शेयर ऑडियो का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करना होता है। साइड में जो एरो आ रहा है, एरो एरो, ये देखो जो घुसा हुआ अंदर दिख रहा है आपको। एरो पे क्लिक करना है, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको तो एरो दिख नहीं रहा है, जो बहुत लाइट एरो है देखो बिल्कुल अंदर जा रहा है, हल्का सा टच करोगे तो बाहर निकल आएगा वो। नहीं दिख रहा है, अरे वो नहीं वो तो शेयर का है, उसके बगल में ही है। हाँ उसके बगल में ही देखो, बहुत लाइट सा है, उसको हल्का टच करो। नहीं, अरे ये आपके ऑप्शन में नहीं है, वो साइड में है। हाँ ये देखो दिखा आप, हल्का सा लाइट सा दिख रहा होगा बिल्कुल। चलो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ऑडियो नहीं शेयर कर सकते तो कोई बात नहीं, आप वीडियो प्ले कर दो ना। तो दोस्तों ये देखो, ये रामजीत जी, तालिब जी एंड लौकुश जी तीन लोग गए थे देखने के लिए, वो पूरा ये देख सकते हैं सीटिंग कितनी खतरनाक है, ठीक है सारी चीजें। लौकुश जी कुछ बोल रहे हैं और जो क्या कहते हैं, आप लोग ये वीडियो प्रॉपर देख लेना, अपने ग्रुप के अंदर आई होगी, ठीक है। आप सिटिंग देख रहे हो कितनी खतरनाक, मतलब प्रॉपर आप लोग आओगे तो आपको फील होगा यार कि आप एक मीटिंग के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है। अभी तक वो हरी पीली नीली चेयर से बैठते हो गए आके मीटिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन आप देख रहे हो पूरी गद्दी वाली सीटें हैं पूरी, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर तो एक सिस्टमैटिक, मतलब एक प्रोफेशनल मीटिंग होने वाली है। देख रहे हो स्टेज बना हुआ है पूरा प्रॉपर, रामजीत जी देखो पूरा घुमा रहे हैं चीजें। कहाँ चले गए नवीन जी, शेयर कर रहे हैं आप। नवीन जी शेयर ऑडियो करना होता है, उसमें नीचे एक ऑप्शन आता है कंप्यूटर का शेयर ऑडियो, उस पर क्लिक करके करोगे तब होगा, ऐसे नहीं आएगी आवाज। जब शेयर कर रहे होगे वीडियो तो सबसे नीचे बिल्कुल आता है शेयर ऑडियो का, शेयर करते टाइम ही आता है जब जूम के ऑप्शंस खुलते हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है आप यही ओपन कर दो, कोई बात नहीं, ये सब लोग अपने मोबाइल में देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो
तो आप देख पा रहे होगे, ये बात आपको आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप सिटिंग देख सकते हो, आप प्रॉपर क्या होने वाला है मीटिंग के अंदर, स्टेज स्टेज सब कुछ है। मतलब आप बस, आपको दोस्तों बस इतना करना है कि आपको अपने दो दिन अच्छे से इस्तेमाल करने हैं। ये 48 घंटे ना मिलेगा दोबारा, मैं सच बता रहा हूँ आपको। और जितने लोग इस मीटिंग को मिस करने वाले हैं और जितने लोग सोच रहे हैं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, दो ही दिन की तो बात है, हो जाएगा, कर लेंगे, तो मैं सच बता रहा हूँ, पछताने का मौका उन सबको मिलने वाला है जो लोग इस मीटिंग के अंदर थोड़ा भी सोच रहे हैं कि यार मजे करने के मूड में है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, दो दिन का बस सीरियसनेस चाह रहे हैं। और दो दिन के सीरियस में आपका काम बहुत बड़ा बन सकता है, मैं रियल बता रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हो सब लोग घुमा घुमा के दिखा रहे हैं पूरी वीडियो। ठीक है, ओके, स्टॉप कर दीजिए। यस, तो आई होप सो आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। बहुत ही मतलब सिस्टम तो बहुत तगड़ा सेट किया है, बस उसका फायदा उठाना है हम सभी लोगों को। ठीक है, मतलब अगर इतना सब कुछ किया जा रहा है, इतना खर्चा किया जा रहा है, इतना हॉल और सारी चीजें हो रही है, तो उसमें आपको भी उसका मतलब पूरा का पूरा फायदा उठाना है। और पूरा का पूरा फायदा हम तब उठा पाएंगे जब हम उसको सही तरीके से प्रमोट करेंगे। अब प्रमोट कैसे करना है थोड़ा सा इस पे भी मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आपके पास बस आज रात का वक्त है, क्योंकि कल से 48 घंटे के लिए हम लोग पूरा धुआंधार से लगने वाले हैं, तो इसीलिए अभी आज रात हम जितना बात कर सकते कर लें, क्योंकि फिर सोने के बाद जो उठेंगे तो पूरा दिन भर हम लोग बाहर रहने वाले, मुझे पता है अच्छे तरीके से। और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे जो पर्सन नहीं रहेगा यार देखो, और जो पर्सन रहेगा उनको डिफरेंस ऑटोमेटिक, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं 23 और 25 को डिफरेंस दिखा दूंगा उन लोगों का जिनके चेक में ऊपर नीचे होंगे। यस, आगे बात करते हैं अब कैसे क्या करना है। ठीक है, हाँ एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि पहले तो आप उन सभी लोगों को लेके आना जिनको आपने अभी तक प्लान दे दिया है, जिनको प्लान नहीं दिया है, जो लोग आपसे कहते हैं ये सब छोड़ दो, मतलब सबको, मतलब आपके घर से कोई हो तो उनको लेके आओ। ठीक है, जो लोग अभी तक आपने जिनको प्लान दिया, जो लोग बोलते हैं भैया पैसा नहीं हमारे पास ना ज्वाइन कर लेते, उनको लेके आओ। कह दो चलो भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मीटिंग तो चल सकते हो, चलो हमारे साथ। ठीक है, मत ज्वाइन करो तुम, लेके जाओ उनको। ठीक है, मतलब कुछ भी करके आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग लेके पहुंचना है। और मुझे भी नहीं पता वहां पे ऐसा कौन सा जादू होने वाला है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जादू तो वहां का होगा ही, वहां की मतलब हवाओं में जादू होगा जब आप उस हॉल के अंदर। यस, पापा को भी ले आओ, मम्मी को भी ले आओ, मैं तो बोल चुका हूँ ना, सबको लेके पहुंचो वहां पे, पूरा परिवार, अगर आपका 15-20 लोग का परिवार, सबको लेके जाओ वहीं पे, वहीं बैठो जाके, सबसे आगे चेयर ले लो। यस बिल्कुल, बहुत सारे लोग जी कह रहे हैं 5 बजे सर मैं बीटा पहुंच जाऊंगा, तुम लोग समझ रहे हो लीडर्स हमारे तैयार हैं, हमारी पूरी कोर टीम बीटा की तैयार है, क्या आप तैयार हो कि नहीं तैयार हो अपने आप से क्वेश्चन करो। अब देखो इनवाइट कैसे करना थोड़ा समझ लो, थोड़ा कॉमन सेंस वाला इंप्रेशन में बता देता हूँ जल्दी से। करना क्या आप लोगों को बस जाना है, अपने लोगों से मिलना है, जितने भी लोग आपके जानने में है। ठीक है, सबसे बस कुछ स्क्रिप्टेड बातें करनी है कि जैसे मान लो थोड़ा हालचाल तो सबसे लोग ही लोगे, ऐसा नहीं कि तुरंत जाके बताना शुरू कर दिया, हालचाल लेने के बाद तुरंत बोलो कि अरे भाई तुमको पता चला कि क्या होने वाला है 22 तारीख को, कहेगा भाई क्या होने वाला है मुझे तो नहीं पता चला, कह तो भाई पटना शहर के अंदर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं न्यू ईयर का, कहेगा भाई मुझे तो नहीं पता चला, अरे यार मुझे लगा कि तुमको तो यार मतलब जो भी आपके 2-3 दोस्त उनका नाम ले लेना कि भाई मुझे तो लगा तुमको उसने बता दिया होगा, कहेगा अरे भाई मुझे तो नहीं बताया। अब आप उससे कहना मुझे तो लगा स्कूल में तुमको सब पता चल गया होगा, स्कूल में भी सारी बातें फैली हुई है, सारे दोस्त यार तुम्हें पता ही नहीं है, वो कहेगा नहीं भाई मुझे किसी ने नहीं बताया, कह दो अरे यार तुमको पता है चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा ये बताओ कि जो है क्या कहते हैं कि अभी जैसे ये 2021 चला गया, ठीक है अब 2022 आने वाला है, तो 2022 के अंदर तुम क्या करने वाले हो, तो क्या बोलेगा 2022 के अंदर भाई कुछ नहीं करने वाले हैं, वैसे भाई टेंशन ला 11th करेंगे 12th करेंगे, मतलब जो भी पढ़ाई कर रहा है उसके हिसाब से वो बता देगा। तो आप कह देना कि भाई 2021 में तुम्हारा जैसा गया जो गया मुझे नहीं पता, लेकिन 2022 तुम अपना बहुत अच्छा कर सकते हो। उसके लिए पटना के अंदर पहली बार एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें बहुत दूर दूर से बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, ठीक है बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जो लोग बताने वाले हैं कि यूथ मतलब यंगस्टर यूथ या फिर जिस एज के पर्सन से आप बात कर रहे हो वो लोग अपनी लाइफ के अंदर और अच्छा और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और वो इवेंट भाई तुम सोच के देखो सब पहली बार पटना शहर के अंदर हो रहा है, जो इवेंट आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे तुमने बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा, जैसे यूट्यूब के ऊपर तुमने संदीप महेश्वरी विवेक बिंद्रा से बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा, कहेगा हाँ भाई सुना है, लेकिन तुम आप उससे कहना यस टिंकू जी म्यूट कर लीजिए,
आप उससे क्या कहना, आप उससे कहना भाई अगर ऐसे लोगों से तुमको मिलने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, कहेगा भाई बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप कहो कि भाई मैं तुमको सच बताऊं, उस इवेंट में जाने का चांस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो लोग सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मेरा तो हो गया है क्योंकि मेरे भैया ने मेरा बहुत जुगाड़ से करवाया है, लेकिन भाई मैं सच बताऊं तुम्हें पता ही चला, ये तो बहुत दिक्कत की बात है यार, तुमको पता ही चला अभी तक, और बताओ सब लोग जा भी रहे हैं तो तुम्हारा तो पास वास हुआ नहीं होगा। वो आप वो आप वो कहेगा कैसा पास, तो आप कहते ना भाई पास तुम पास ही समझ पा रहे हो। कहने का मतलब क्या भाई, अच्छा तुम कभी पिक्चर देखने जाते हो गया, कभी तुमने कुछ भी देखने गए होगे, पिक्चर देखने, क्रिकेट देखने, क्रिकेट मैच देखने, तो वहां का टिकट पड़ता है? हाँ भाई पड़ता है। कितना पड़ता है? तो वो बोलेगा कोई 200 500 1000 2000 जो ही बोलेगा। कह दो भाई तुम सोच के देखो, लोग सिर्फ ताली बजाने का, सीटी बजाने का और कुछ चलता हुआ देखने का 200 300 500 1000 दे देते हैं, तो जहां पर तुम्हारी लाइफ बदल रही है वहां का कोई कॉस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो कहेगा हाँ भाई बिल्कुल होना चाहिए। तो कह दो भाई लेकिन इतना है कि शायद तुम दे भी ना पाओ। क्या बोलना है कि भाई इतना है लेकिन शायद तुम दे भी ना पाओ, और जो पास का कॉस्ट है वो भाई पूरे के पूरे 100 रुपए है। पास की कॉस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 100 रुपीज पास की कॉस्ट है भाई, पूरे के पूरे 100 रुपए पास की कॉस्ट है। लेकिन भाई 100 रुपए तो यार देखो जिंदगी बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रकम है भाई, 100 रुपए बहुत सारे बक्से भर के देने पड़ेंगे 100 रुपए के लिए। वो कहेगा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, ये लो 100 रुपए अभी ले लो। लेकिन क्या तो भाई हो ही नहीं पाएगा अभी, क्योंकि भाई 22 को है और आज 21 हो गई है। क्या है 22 को है आज 21 हो गई, तो एक दिन के अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे पैसा दो, ठीक है मैं एक बार बात कर लेता हूं। वहां पे आप चाहे तो एक्टिंग कर सकते हो अपनी अपलायंस से बात करने की या फिर कुछ भी करने की, या तो आप अपनी बात में उसको समझा के उससे प्यास का पेमेंट लेके, ठीक है। और आपको जैसे मान लो आपने लिया, मान लेते आपने आज टिंकू जी को 500 रुपए दिए, आपने 5 पास ले रखे अपने, ठीक है। और मैं पहले बता दे रहा हूँ जितने लोगों को पास चाहिए तो पेमेंट पहले करके तभी पास लेंगे, और जितना पास चाहिए बता दे, क्योंकि बहुत लिमिटेड पास हैं, पासेस खत्म हो गए तो एंट्री दोस्त नहीं होगी, विदाउट पास एंट्री नॉट अलाउड। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि सशीष कुमार तिवारी सर आ रहे हैं और जितने लोगों को पता चलेगा भीड़ तो लगेगी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, पहले बता दे रहा हूँ। सशीष कुमार तिवारी सर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, जिनको नहीं पता है जाके यूट्यूब पे देख लें, अगर नहीं पता है तो मैं कहूँ तो दिखा दूँ, सशीष कुमार तिवारी सर बहुत बड़े कह सकते हैं स्पीकर हैं, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, लाखों में लोग उनको फॉलो करते हैं। तो अगर पटना में ये बात फैल गई कि 22 तारीख को IMA हॉल में सशीष कुमार तिवारी सर आ रहे हैं तो भीड़ तो ऑटोमेटिक लग जाएगी दोस्तों, लेकिन एंट्री उसी को मिलेगी जिनके पास पास होगा। तो सबसे पहले सबसे गलती मत करना, लोकू जी, टिंकू जी, तालिब जी, जितने भी लोग हैं, बिट्टू जी, अपने टीम के जितने लोग हैं पहले उनको पास दे देना, पता लगा एसोसिएट के पास पास है ही नहीं और गेस्ट पास लेके अंदर जा रहे हैं, तो पहले अपने एसोसिएट की एंट्री कराने के लिए यहाँ पे मुझे हटा के करीब करीब 45 लोग कनेक्टेड है, 50 अप्रॉक्स आए थे, तो 50 लोग जल्दी से जल्दी पहले अपना पास ले लेंगे, क्योंकि अगर आपने अपना पास नहीं लिया तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोग मुंबई के इधर उधर के हैं, तो बीटा से जो लोग मिनिमम कनेक्टेड है, बिहार से और पटना से जो लोग कनेक्टेड है, अपना पास पहले ले लेंगे, अगर आप अपना पास नहीं लोगे तो आपको भी एंट्री नहीं मिलेगी, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो सभी लोग लिमिटेड पासेस हैं, अपने पास जरूर ले लें, और जिन जो लोगों को अगर अभी कंफर्मेशन करना है तो ऑनलाइन पेमेंट डालते जाएं और लोकल जी को सेंड करते जाएं स्क्रीनशॉट, और वो आपका पास का कंफर्म करते चले जाएंगे, वरना अगर और भी टीम्स आ रही है, और भी ग्रुप के लोग उस मीटिंग के अंदर आ रहे हैं, ये बात समझ लो, सिर्फ रॉकस्टार ग्रुप उसके अंदर नहीं है, और भी ग्रुप के अंदर लोग भी आ रहे हैं, लेकिन मेन आपका ग्रुप है, और भी लोग आ रहे हैं उस मीटिंग के अंदर, लेकिन मेन आपका ग्रुप है, क्योंकि सशीष कुमार तिवारी सर आ रहे हैं तो उसके लिए तो समझ सकते, भीड़ तो लगेगी लगेगी, ठीक है। तो ये गलती हम लोग को नहीं करनी है, इस तरीके से आपको पास मोशन करना है अपनी टीम का, और रियल बता रहा हूँ, ये बस 2 दिन, बस 48 घंटे आपकी मेहनत क्या रंग लेके आएगी शायद आपको भी इसका आइडिया नहीं है। और सबसे उससे बड़ी बात क्या है, अपनी इज्जत पे बात है, क्योंकि वहां पे भाई देखो, जब आपकी टीम, जब ये BMW GT में जब आपकी ये बीटा की टीम, टिंकू जी की, लोकू जी की, तालिब जी की टीम जब पहुंची थी वहां पे, तो वहां पे थोड़ा सा मतलब बना था, सेट हुआ था भौकाल, ठीक है, भौकाल का मतलब समझते क्या होता है, मतलब थोड़ा सा भाव बना था अपना, ठीक है। लेकिन अब आप सोच के देखो, आप अदर शहर में अपना भाव बना दे रहे हो, लेकिन जब अपने शहर में अपना भाव गिरा लोगे तो मतलब क्या उसका, समझ रहे हो भाई, अदर मतलब अपने शहर के अंदर तो भौकाल और बनना चाहिए ना आपका, तो ये चीज थोड़ा समझिए, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा बस,
यस तो हम लोग क्या बात कर रहे थे। हाँ तो यस अभी रोहित सर से बात हो गई है, तो रोहित सर का टाइम मैंने ले लिया है, बस सर को मैं लिंक शेयर करने जा रहा हूँ। तो सभी लोग पहले फास्ट अपना कैमरा वैमरा ओपन करके बैठे हैं भाई, क्योंकि समझ रहे हो आप ना, रोहित सर आ रहे हैं तो थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ना चाहिए अपनी टीम का, क्योंकि रोहित सर आप लोगों से फिजिकली मिलने आ रहे हैं। अब हम लोग ऑनलाइन ही नहीं इम्पैक्ट डाल पाएंगे तो फिजिकली क्या इम्पैक्ट डालेंगे, फिर कुछ नहीं बन पाएगा। यस, तो जैसा कि मैं क्या बात कर रहा था, मैंने देखो इनविटेशन आपको कॉमन सेंस वाला बता दिया है, इसी इनविटेशन से कॉमन सेंस से आप लोग प्रॉपर इनविटेशन कर सकते हो, ठीक है। और जो उस मीटिंग का जो क्या कहते हैं फायदा है, वो सारा फायदा हम सब लोग को मिल के उठाना है, ठीक है। कोई भी सिंगल पर्सन ना रह जाए, ठीक है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो कल से लेके परसों तक आप मुझे कॉल करते रहो, मुझे परेशान कर दो, सीख लो समझ लो, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अपने इस 22 तारीख की मीटिंग को वेस्ट मत जाने देना, ठीक है। क्योंकि ये मौका अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। और हम लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, 43 लोग कनेक्टेड है सर। गेस्ट का भी पास लगेगा, यस यस, गेस्ट एसोसिएट सबका पास लगेगा। पास कॉस्ट है 100, ओनली 100 रुपए पास कॉस्ट है। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है, कैसे आपको बात करनी है, कैसे क्या बात रखनी है, ठीक है। क्योंकि वो ये मीटिंग बहुत सारे लोग कहते हैं, सर कंपनी मीटिंग करा रही तो हम लोग किस बात का पैसा दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी नहीं मीटिंग करा रही, हम लोग मीटिंग करा रहे हैं, लवकुश जी मीटिंग करा रहे हैं, टिंकू जी मीटिंग करा रहे हैं। और ये मीटिंग क्यों हो रही, क्योंकि आप लोगों का सबका काम बढ़े। क्योंकि मैंने अभी एक वर्ड यूज किया कि वहां पे जितने लोग के जो लोग आएंगे उनकी ज्वाइनिंग 110% डन है। मतलब अगर आपके 10 लोग आए तो 10 लोग ज्वाइन होके जाएंगे, ठीक है। अगर आपके 20 लोग आए तो 20 ज्वाइन होके जाएंगे, आपके 100 आए तो 100 ज्वाइन होके जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, पास की कॉस्ट अगर कि मैं बात करूँ 100 रुपीज की, तो मैं आपको बताऊं, सशीष कुमार तिवारी सर को लोग देखने के लिए लोग 500, 1000, 1500, 2500, तो 2999 रुपए का एंट्री कॉस्ट दे के तब जाते हैं, सोचो आप। लेकिन आपको तो सिर्फ 100 रुपए में इतना बड़ा सेलिब्रिटी से मिलने का ही मौका मिल रहा है, साथ में अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिल रहा है। और दिक्कत क्यों लेना है, अभी देखो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे, तो 100 रुपए कैसे दे सर, शर्मा समोसा का खर्चा, हमारे जो है गर्लफ्रेंड को जलेबी खिलाना था उसका खर्चा था, 100 रुपए कैसे दे। तो भैया 100 रुपए के चक्कर में अपना 4000 5000 का बिजनेस पे लात मत मारो, ठीक है। अगर आप वहां पे जितने लोग के लिए चले जाओगे, मैं कह रहा हूँ आपकी ज्वाइनिंग डन है। अगर आप सोच रहे हो कि आपका 100 रुपए लग रहा है, तो मैं तो कह रहा हूँ अपने कम से कम 10 लोगों को लेके जाओ, अपना 4000 का चेक बनाओ उल्टा। अब 100 रुपए लगा के अगर 4000 रुपए तो क्या गलत है, आप बताओ मुझे जरा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या मैं आपको बताऊं भाई, धनवंतरी आपसे तो नहीं कह रही कि बार बार हर महीने पैसा देने के लिए, क्या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या हम लोग 2-3 महीने के अंदर 100 रुपए नहीं दे सकते हैं? आप बताओ कितना बड़ा 100 रुपए, जरा मुझे आप ये बताओ। और जिसको 100 रुपए देने से इनका घर बार बिक जा रहा है, वो लोग मुझे कॉल कर लेंगे, मैं उनको भी दे दूंगा कुछ 1-2 रुपए उधार पे, ठीक है। तो ऐसा तो मुझे लगता है किसी का नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो यस बिल्कुल बिल्कुल, तौसीफ जी दे सकते हैं, सब दे सकते हैं यार, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग होते नहीं है जो कलाकार टाइप के लोग आ जाते हैं बीच में, कहते हैं अरे सर 100 रुपए, तो मैं कहा चलो फिर ठीक है, तुमसे 100 रुपए नहीं होगा तो फिर जिंदगी कैसे बदलेगी भाई। यस, तो एक बार एक बार मैं सर को कॉल कर लेता हूँ। सर यस, तो रोहित सर भी आ रहे हैं, ठीक है। तब तक हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यार इस बस 20 आज खत्म हो रही है, 21 और 22 बस 2 दिन की कसम खानी है, ठीक है। और अभी मैंने पूछा था यहाँ पे कितने लोग, यहाँ पे कितने लोग लेके आ रहे, तो कोई 10 लिख रहा है, कोई 20 लिख रहा है, कोई 40 लिख रहा है। यस, एक पर्सन ने लिखा है सर दे सकते हैं 100, क्या है हमको नॉलेज चाहिए। क्या बात है, सल्यूट है आपको आदित्य जी। मतलब कि इस पर्सन ने मतलब मेन मुद्दे की बात पकड़ ली कि सर 100 रुपए क्या, सर हमको नॉलेज चाहिए। और नॉलेज के लिए दोस्तों आप 100 क्या, आप करोड़ों खर्च कर दो, लोगों को तब भी नहीं मिलता है, तो नॉलेज तो कुछ नहीं है फिर। यस, तो दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिनसे आप फिजिकली मीट करने वाले हो, लेकिन उससे पहले क्या
कह सकते हैं सर का ये ब्लेसिंग है हमारे लिए कि सर हमको वर्चुअली भी मिलने आ गए, और ये पर्सनल हमारे लिए कह सकते हैं एक आशीर्वाद रहेगा सर का, क्योंकि हम लोग जो दो दिन का जो हमने कसम खाई है कि दो दिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मम्मी गैस सिलेंडर भराने के लिए बोले, चाहे पापा बोले सब्जी ले आओ, चाहे बहन बोले भैया पेन ला दो, कुछ भी नहीं सुनना है, बस करना क्या है अपने काम पे फोकस, और इस दो दिन की कसम के साथ बस सर का थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो यस, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करूंगा, और एक बार सबकी गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट, सर ताली तो नहीं बजा सकते वहां पे आप लोग 22 तारीख को बजाना बिल्कुल दिल खोल के ताली, लेकिन अभी यहाँ पे आपके चैट से आपके कमेंट से मैं पहचान जाऊंगा कि सर को सुनने के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो। तो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इनवाइट करना चाहूंगा द वन एंड ओनली इंजीनियर रोहित यादव सर, और सर का थोड़ा सा आशीर्वाद हम लोग के इस दो दिन को इतना शानदार बना देगा जिसकी शायद उम्मीद हमारे पास भी नहीं है। तो यस रोहित यादव सर, ओवर टू यू सर। यस, वेरी स्पेशल मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है यहाँ पर जितने 44 लोग कनेक्टेड हैं इनको तो पता ही होगा गुड मॉर्निंग का मतलब, राइट? इनको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गुड मॉर्निंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, राइट? तो बहुत एनर्जेटिक वर्ड है गुड मॉर्निंग, और रात सुबह दोपहर शाम हमेशा अपनी अपलाइन को जब भी कॉल करते हो गुड मॉर्निंग जरूर बोलें, जब भी कॉल आप करें गुड मॉर्निंग सर जरूर बोलें, और आप लोग भी जितने भी अपलाइंस हैं वो गुड मॉर्निंग विश जरूर किया करें, जब भी आप अपना कॉल करें, रात हो सुबह हो दोपहर हो शाम हो गुड मॉर्निंग जरूर विश करना है, क्योंकि गुड मॉर्निंग का मतलब आप लोग को पता है कि नहीं पता है? यस सर। क्या है, क्या मतलब है गुड मॉर्निंग का? गुड मॉर्निंग का मतलब है सर एनर्जेटिक वर्ड है सर, सामने वाले पर्सन को किसी को भी कॉल करते सर गुड मॉर्निंग तो वो नाइट में भी सर एक्साइटेड हो जाते हैं सर। ठीक है, सबसे पहला तो गुड मॉर्निंग इन्होंने बोला एनर्जेटिक, पर इंडिया वाले हैं बिना फायदे के कुछ काम नहीं करते, ये बिना बेनिफिट के कुछ नहीं करते, तो इसलिए गुड मॉर्निंग का मतलब एक और होता है, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है गुड मोर अर्निंग, राइट? यस गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं, तो ये जबरदस्त वर्ड है, इसको यूज करें। तो सबसे पहले आप लोग के लिए गुड न्यूज है कि मैं आपके शहर में आ रहा हूं, और मेरा मन था इसलिए हमने 25 तारीख से पहले ही इस इवेंट को करने का कोशिश किया, मैं चाहता हूं कि आप लोग का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़े, आप लोग तो तेजी से काम करें, तो इसलिए 25 से पहले हम ये मीटिंग कर रहे हैं, राइट? तो आपका 22 को पटना में हम मीटिंग कर रहे हैं, आईएमए बुक हो गया लवकुशी? यस सर, बुकिंग हो चुकी है सर, वेलकम है सर, आईएमए पटना बुकिंग कर चुके हैं लवकुशी और पूरी तैयारी कर चुके हैं। हाँ, हालांकि मैं ये मानता हूं कि आपके पास एक दिन बचा हुआ है, वन डे, आपका वन डे अभी बाकी है, और एक दिन में ही आपको मेहनत करना है, एक दिन में प्रूफ करना है पूरी एंटायर टीम को। यहाँ मेरे को टिंकू कुमार जी नहीं दिख रहे, टिंकू जी नहीं दिख रहे, कहाँ है? खाना खाने चले होंगे सर। हाँ, टिंकू जी किधर है? टिंकू जी कनेक्ट करवाओ फास्ट, ये तो गड़बड़ सिस्टम है। गुड मॉर्निंग, मेरा सर अच्छा, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पाए जो कुछ भी है, तो चलिए क्या बोल रहे हैं, अभी एक जो भी आसपास आपके है उनका म्यूट करवाइए, पता चलेगा। मेरा मोबाइल नहीं था सर सुबह से सर, ये प्रॉब्लम हो रहा था, अब आ गया। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए आज आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन कल आपके लिए भरपूर पूरा दिन बाकी है, आपके पास फुल डे है कल के लिए जबरदस्त प्रमोशन करने का। देखिए इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप जबरदस्त प्रमोशन करके उस मीटिंग के अंदर आते हैं 22 को जो पटना में हम लोग कर रहे हैं, आपको मजेदार एंजॉय करने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इस मीटिंग का आप बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, जितने भी लोग अपने बिना गेस्ट के पहुंचेंगे, जितने भी लोग बिना तैयारी के पहुंचेंगे, इतना तो मैं आपको दावा वादा कर रहा हूं, वो पछताएंगे जरूर, उनको पछताने का मौका 101% मिलेगा। तो पूरी कोशिश करिएगा सुबह से लेकर रात तक जबरदस्त प्रमोशन करिएगा, मैं भी मॉर्निंग में 23 की मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगा, और सॉरी आपका 22 का मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगा, और 22 का मीटिंग करने के बाद वापस से हमें निकलना है, क्योंकि 25 का बहुत शानदार कन्वेंशन बनाना है, राइट? तो आप लोग तैयारी करिए, बेहतरीन मेहनत करिए, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष सभी के साथ हैं, आप कल अगर मेहनत करेंगे तो मैं इतना तो मेरे को यकीन है कि टीम बीटा बहुत जबरदस्त करके आएगी, राइट? और कम से कम आप लोगों से उम्मीद है कि 200 लोग का गैदरिंग आप कम से कम करें, कि 200 लोग आपके उस मीटिंग में आपके उस हॉल के अंदर जरूर पहुंचे। पहला उस हॉल के अंदर हम लोग वेन्यू मीटिंग करेंगे जहां पर आपके गेट्स होंगे, जहां पर आपके जितने भी आपके फ्रेंड्स आए हुए होंगे उनको जबरदस्त तरीके से वो लोग सीख के जाएंगे, समझ के जाएंगे और ज्वाइनिंग कराएंगे, उसी के साथ साथ एज वेल एज आपका वहां पर एक ट्रेनिंग सेशन भी होगा,
कभी कुछ लोग मुझे कुछ मैसेज कर रहे हैं, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। सर गेस्ट बहुत हैं बट मनी प्रॉब्लम है। ओके तो मनी प्रॉब्लम है वो गेस्ट किस काम का फिर भाई, ज्यादा हो जाएगा सर। ओके देखिए पहला चीज तो एक लोगों ने मेरे को मैसेज लिखा है कि सर गेस्ट तो बहुत है बट मनी प्रॉब्लम है। तो जो लोग अपनी कामयाबी के लिए अगर 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते तो उनके लिए कामयाबी कभी नहीं मिल पाएगी। मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूँ, वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे जो अपने लिए 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते। और जो गेस्ट भी 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता वो खाक आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा, खाक आपके साथ आगे बढ़ेगा। तो जो अपने कामयाबी आप सोच के देखिए ना कि 100 रुपीज का, जब फर्स्ट टाइम मैं भी एक सेशन में गया था जहां पर 100-150 रुपए पास कॉस्ट था, जब उसको मैं मीटिंग को अटेंड किया, मीटिंग को मैंने देखा, तो आज सोचिए उस 100 रुपए के बदले मुझे कितना मिला है। आज उस 100 रुपए के बदले में शायद डेली का 35,000 रुपए से ज्यादा आता है। मतलब पर डे का जो इनकम 35,000 रुपए होता है वही 100 रुपए से। अगर शुरुआत में वो इन्वेस्टमेंट नहीं किए होते, शुरुआत में अगर मैंने मीटिंग्स अटेंड नहीं की होती, शुरुआत में अगर मीटिंग में नहीं गया होता तो आपके बीच आज कभी होता ही नहीं। तो इतना याद रखिए कि जितने भी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, ये आपके चार्जअप्स हैं। आपको मैं अगर सही बात बोलूं तो इसका बहुमूल, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर आप इस इवेंट की 100 रुपए कीमत बोलते हैं तो ये कोई कीमत नहीं है इस इवेंट का। इवेंट का तो मैं आपको बोलूं बहुमूल है, इसका तो कोई आप कीमत चुका ही नहीं सकते। क्योंकि ये बात आज नहीं समझ में आएगी बट हाँ उस दिन जरूर समझ में आएगी जब आप थोड़ा सा कामयाब होंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे कि इवेंट्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था और ये इवेंट्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। सर दोस्त आओगे तो तुम ही पैसा दो, बिल्कुल सही बात है, बट दोस्तों को भी आपको ये समझाना पड़ेगा कि भाई तुम्हें अगर कामयाबी चाहिए तो तुम पैसा दो, अगर नहीं चाहिए तो मत दो, मत जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आकाश बहुत जी से आप लोग सीख लीजिए कैसे पास प्रमोशन करते हैं, वैसे ही पूरे दिन आप पास प्रमोशन करिए और जबरदस्त तरीके से मैक्सिमम लोग को लेके आइए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपना पैसा देके उस इवेंट में नहीं आएगा वो आपके साथ ज्वाइनिंग शायद ही करे। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो 100 रुपए अभी अपनी कामयाबी के लिए नहीं लगाना चाहता है, तो वो 4,000 रुपए 5,000 रुपए तो कभी भी अपनी कामयाब आपके मतलब अपनी कामयाबी के लिए यूज नहीं करेगा, हमेशा सोचिए आप। तो जो भी गेस्ट बिना पैसे के वहां पर आना चाहते हैं उनको मत लाइए। आप जो लोग पैसे देके आ रहे हैं केवल उन्हीं लोग के साथ आप उस इवेंट में पहुंचिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश करिए, क्योंकि आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और प्रोडक्टिव गेस्ट होंगे। प्रोडक्टिव गेस्ट समझते हो? कुछ लोग को हम बस ऐसे ही भर लेते हैं, तो भरने की जगह जब प्रोडक्टिव लोग आएंगे वहां पर तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। वो लोग जो लोग देखिए सीरियस होंगे, एम्बिशियस होंगे, वही लोग पैसा देके उस इवेंट में पहुंचेंगे, लेकिन जो लोग सीरियस एम्बिशियस नहीं है वो पैसा देके कभी नहीं आएंगे, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा कल आपका भी दिन है, चेकिंग का डे है, देखते हैं आप में कितना है दम। बीटा टीम एक दिन के अंदर देखिए कितना प्रमोशन करती है, एक दिन के अंदर कितने लोग को लेके पहुंचती है, और अगर जबरदस्त आप काम करते हैं तो आपको जबरदस्त कल ट्रेनिंग भी मिलेगी, वहां पर हम रुकेंगे भी आपके साथ, प्लानिंग भी करेंगे, उसके बाद मैं बीटा से लखनऊ निकलूंगा, राइट। इसके अलावा बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपके जितने भी जानने वाले हैं उठा लाइए, क्योंकि कल अलग मोड में प्रेजेंटेशन होने वाला है, अलग माहौल में प्रेजेंटेशन होने वाला है। अभी तक आप बीटा अपने शहर में करते थे, अब पटना में आके देखिए IMA हॉल में किस तरीके से हम लोग मीटिंग करते हैं। बाकी तैयारी हम टिंकू जी के साथ, लवकुश जी के साथ कर लेंगे, बस आपका जो काम है वो कल सुबह से लेकर निकल जाइएगा, नाइट तक धमाकेदार तरीके से प्रमोशन करें। और टाइमिंग क्या डाला है आपने लवकुश जी, टाइमिंग क्या है? सर टाइमिंग मीटिंग हॉल में सर 10 बजे लोगों को पहुंचाना, सर मीटिंग हॉल में सारे लोग को 10 बजे पहुंचना है, 10 AM पे सभी लोग पहुंच जाएंगे और मीटिंग हॉल मीटिंग आपका 10:30 तक स्टार्टअप हो जाएगा। वहां पर हम लोग शुरू कर चुके होंगे क्योंकि हॉल का टाइमिंग है, ये हमारे शादी वाले मैरिज हॉल की तरह नहीं होता है, यहाँ पर समय है, समय के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो बहुत ये लोग पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं, प्लस मतलब एक टाइमिंग भी होता है वहां पर, उस टाइम पे हमें हॉल को खाली करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए मैं चाहता हूँ फायदा उठाए। हाँ बोलिए बोलिए। गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है सर, मतलब 3 बजे तक उस हॉल को लेकर के खाली कर देने सर, तो हम लोग मीटिंग के लिए बोल रहे हैं कि कल हम लोग जबरदस्त मेहनत करें और आप टाइमली वहां पर पहुंचे, अपनी टीम को टाइमली पहुंचाएं और हम लोग टाइमली सेशन को स्टार्ट करके बहुत शानदार कल का सेशन करेंगे, परसों का सेशन बहुत जबरदस्त करेंगे। तो कितने लोग एक्साइटेड है, कितने लोग रेडी है बीटा के अंदर, सॉरी पटना के अंदर हम लोग इवेंट कर रहे हैं? सारे लोग एक्साइटेड है पक्का? Yes, sir. तो मैसेज मेरे को कर रहे हैं बहुत जबरदस्त, सब लोग एक्साइटेड हैं, और जो लोग अभी सेशन में नहीं है उनको भी एक्साइटेड कर दीजिए कि दोस्त बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपके बीच दो लोग और भी पटना के किंग ऑलरेडी वहां पर, शशीश कुमार तिवारी सर और सुशील कुमार सर भी रहने वाले हैं। मतलब बाहर आपके हो सकता है 2 लग्जरी गाड़ी भी खड़ी हो, राइट, जैगवार खड़ी हो, ऑडी खड़ी हो, जहां पर मतलब एक अलग ही माहौल होगा, मतलब वो दिन आपके लिए आप भूल नहीं पाएंगे वो दिन, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा, राइट। तो रेडी हो जाइए सब लोग, तैयारी करिए, मिलते हैं आपके साथ 22 तारीख को
गजब का इवेंट करते हैं और इससे आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, राइट। और कुछ किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी बात करनी है, मेरे से कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, लास्ट में एक मिनट दे रहा हूं। पूछना है किसी को तो ठीक है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, सभी लोग को रेडी रहिए, मिलते हैं 22, ऑल द बेस्ट, वेलकम सर, थैंक यू, थैंक यू, यस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, रोहित सर का आशीर्वाद मिल चुका है, हमारी एनर्जी पूरी बरकरार है और मात्र हमारे पास 21 तारीख का दिन बचा है, ठीक है, पासेस प्रिंट हो चुके हैं, सारी तैयारी समझ लो एक हैंड से पूरी तैयार है, बस तैयार हमको होना है, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने एक कॉमन सेंस का तरीका बताया इनविटेशन का, उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है, प्रॉपर तरीके से, मतलब